तो कहते हैं जिसकी आई साइट। इसको खोलो, इसमें क्या है? तेरा ट्रैक्टर चले 4x4 वो। सो गाइस, मम्मी आ चुकी है। वो पापा ने मेरे को पहले ही बोल दिया, पापा को गाड़ी पसंद नहीं आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? ठीक हो? बस सुबह मम्मी ने दे दी है चाय और बिस्किट। पिछले 2 दिन से क्या है, मैं सोया नहीं था, तो रात को मैं वीडियो एंड भी नहीं करा। ऐसे ही पता नहीं मैं बेड पे कहीं लेटा सो गया है। मम्मी कितनी नींद आई मेरे को? बड़ी दिनों से तो सो रही हूं। सुबह क्या बना के खिला रहे हो आज? क्या खाना? मेरे को तो लग रहा है चाय में टरका रहे हो। ब्रेकफास्ट तैयार है, तू उठा ही अभी है। तो चलो ठीक है, अभी क्या है कि मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, वीडियो एडिट ही नहीं की थी तो एडिट करते हैं। गाइस बाहर तो भयंकर बारिश शुरू हो गई है यार। बारिश तो इस बार रुक ही नहीं रही है। मतलब गाड़ी कैसी लग रही है? परफेक्ट कार लग रही है, पता नहीं ऐसे अजीब सी लगती है, जैसे सारी गाड़ियां घर लेकर आया ना, ये वाली कुछ अलग सी वाइब दे रही है। ऐसे लग रहा है कि ये गाड़ी ना इंडियन गाड़ी नहीं है कोई, पर बाहर की गाड़ी है। खाना भी आ गया है, भिंडी एंड फुल्का, और एडिटिंग इन प्रोसेस है अभी। वीडियो जो है अपलोड पे हो गई है। इधर जा रहे हो? मम्मी क्या, कुछ नहीं होता है मम्मी, रियल रियल चीजें देखते हैं लोग। तो सुबह क्या हुआ, आज बारिश लगी हुई थी बहुत जोर की, तो सुबह मम्मी ना गिरी हुई है, मम्मी को लगी हुई है पीछे कमर। मम्मी क्या लगी आपको? अच्छा एक काम, इधर आओ, इधर आओ, भाभी आप भी आओ, दोनों इधर आओ, आओ ना इधर। मम्मी क्या है, वो आंखों में दृष्टि डाल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी वो डाल के ट्राई करता हूँ। वो इतनी तीखी लगती है ना, तो अभी एक बंदा कैमरा पकड़ेगा, एक मेरे पे दृष्टि डालेंगे। डिसाइड किया आपने? दृष्टि कौन डालेगा और कैमरा कौन पकड़ेगा? पहले मेरे को डालेंगे, फिर भाभी की भी आंख में डालेंगे। आई सब नहीं है, नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ा दूर हो जा छोड़। ये गाइस बहुत ही एक ही छोड़ना है, एक थोड़ा दूर हो जा छोड़ थोड़ी। अभी क्या आंख हिलानी मम्मी? थोड़ा डिपर मार, डिपर थोड़ा। जो पतंजलि की दिव्य दृष्टि आती है, जिस जिसने डाली होगी ना उसको पता होगा। थोड़ी आंख लाया, नहीं थोड़ी। तो कहते हैं जिसकी आईसाइट दवाई, कहते हैं जिसकी आईसाइट कमजोर होती है उसको ये ज्यादा ही तीखी लगती है। ये दवाई डालने वाले डॉक्टर है ये? डॉक्टर इधर करना मुंह थोड़ा सा। चलो भाभी की डाल। भाभी एक बार डालेंगे। एक 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 अब ना लेते हैं, तो ना मैं डालूंगी पुनः। मैं नहीं मोटा के दिन उठा गया कोई ऐसे उठाई ऐसे ना भाई सुनाई दी करना दी करना सुनाई नहीं आके पक्का। ये देखो मेरी आंखें, आंखों में दृष्टि वगैरह डाल ली है। और मौसम, घर जब भी मैं आता हूँ ना, सबसे बेस्ट चीज जो मुझे घर की लगती है ना, वो लगता है यहाँ का मौसम। धूप ना हो ना तो इससे ब्यूटीफुल कोई जगह ही नहीं है। ब्यूटीफुल सी गाड़ी खड़ी हो तो फिर तो क्या कहने है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जिमनी है, हमने इसका आज तक 4x4 जो है वो टेस्ट नहीं करा है। अब हमने करना है अपनी जिमनी का 4x4 टेस्ट। और काफी सारे लोगों के जो डाउट रहते हैं, भाई कैपेबल है नहीं है, मुझे भी नहीं पता कैपेबल है नहीं है, तो वो हम टेस्ट करेंगे। अकेले तो मैं नहीं करूंगा, मानी को बुलाऊंगा, शुभम को बुलाऊंगा, मम्मी भी इंटरेस्टेड रहती है जैसे चीजें देखने में। दोपहर का खाना वाना खाते हैं, पर आप यहाँ से चेक करो भाई, एकदम ओपी सीन है, बढ़िया लग रही है गाड़ी। कि किसी को पसंद आए नहीं आए, कोई कुछ भी बोले, अब उनको ये गाड़ी ऐसा लगती है बहुत ही बढ़िया। और कभी तो मतलब ऐसा मन कर जाता है, जैसे अभी ऑडी भी है, थार भी है, तो अगर सफारी भी आ जाती है तो कोई एक तो निकालनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा इजिली निकलने वाली चीज है वो है थार। मन मतलब नहीं करता है बेचने का, लेकिन कोई पता नहीं है, तो चलो वो बात की बातें हैं, अभी उन पर डिस्कस नहीं करना हमने। तो जो हमने कल पूजा करवाई थी वो अपने आप ही सारा जो है हट गया। ये मिला था नेक्सा का, ये मैंने खोला ही नहीं, देखो कि दिया क्या क्या है। और ये पंप भी वो एक्सेसरी का पार्ट ही था, फिर मैंने ये भी ले लिया था। ये तो है, ओह तो ये डायरी है, ये वो डॉक्यूमेंट, और ये है हमारा पार्सल नेक्सा वाला। पर इस पे तो फ्रॉन्क्स लिखा हुआ है, जिमनी का नहीं आता क्या? मम्मी को बुला लिया मैंने, अब मैं कैमरा पकड़ूं कि डिब्बा खोलूं। इसको खोलो, इसमें क्या है? ये उन्होंने दिया था कंपनी वालों, इसको खोलो। इधर से खोलते कहीं से भी खोलो ना, मोम लगा तो फट गया, तो ये तो ईजी होता है। नया नहीं, मम्मी क्या आपसे पकड़ा क्यों जा रहा है? ओह यार, इन्होंने सही चीज दी है, ये बोतल काम आएगी अपने। तब आप रख लेना, मेरे को बोतल चाहिए। मम्मी को चाहिए यार, मम्मी अगर स्कूल जाएगी तो ठीक है, मम्मी रख लेगी। हाँ जी, ये फ्राडी आदमी है देवेशी, क्या हाल चाल? ये जो सीरियस लोग होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, फ्राडी ऐसे दिखते हैं, सिर्फ गोली देता है मेरे को। तक्षी दिवेश और दिवम आ गए थे तो उनके साथ बैठे थे, गपशप लग रही थी, फिर मुझे ध्यान में आया यार हमने तो एक क्या की वीडियो भी शूट करनी थी। एक बंदा हमारे साथ आ चुका है। हाँ जी, रील भी डाल दी इसके साथ? नहीं डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, फोटो आगे पास है वो। अच्छा, वो मैं दूंगा ही नहीं। गाड़ी हमारी है जो बिल्कुल नई है, अभी क्या है कि हम इसे कहीं ऐसे दूर भी लेके जा सकते हैं, बट क्या है आज मौसम खराब है ना, और मेरा कहीं भी ऐसे जाने का, दूर जाने का मन नहीं है। तो खेत तो हमारे पास बहुत से पड़े हुए हैं, इन केस अगर गाड़ी फंस गई तो ज्यादा भी फंस सकती है, बिकॉज इसमें HET टायर है। माने क्या लग रहा है तेरे को, फंस सकती है उधर? अभी मैं और मानी क्या है नीचे गए, हमने लोकेशन देखी, बारिशें लगातार लग रही है ना, तो खेत जो है जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर चला हुआ होता है ना, ये जगह थोड़ी सी वो रहती है, नरम रहती है, और इनकेस फंस गई गाड़ी तो हमारे पास रिकवरी के लिए कुछ है नहीं, फिर निकालने में होगी दिक्कत, तो क्या करें? ट्रैक्टर
पड़ेगा। चलो यही कुछ सीन है, बाकी तो मम्मी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इनकेस गाड़ी नहीं फंसती है तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी मैं चलाऊंगा, मानिक शूट करेगा। लेकिन इनकेस गाड़ी फंस गई तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या प्रोविजन रहेगा। तो आज आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं कि वहाँ भाई क्या परफॉर्मेंस है, मेरे को भी पता चलेगी भाई क्या ही परफॉर्मेंस है क्या है। एक यूएसपी ये रहने वाला है कि ये गाड़ी जो है थोड़ी लाइट वेट है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है इसके HD टायर, मतलब बिल्कुल ना ऐसे स्मूथ टायर होता है, कहीं तो ये गंजा टायर ही मानेंगे इसको, क्योंकि अपने को MT-RT वो गुड्डी वाला बड़ा बड़ा टायर होता है ना वो चलता है, साइज भी छोटा सा है। मैंने कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं किए, क्या होता खेत में उतर के क्या करना पड़े। आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, खेत तक तो जा रहे हैं। अरे हमने खेत तक तो जाना है, मम्मी तैयार होकर कहाँ जा रही है। और यार पेट्रोल भी कम है गाड़ी में, तो फिर पहले ऑर्डर करेंगे फिर पेट्रोल भरवाने जाएंगे। और आप मम्मी देख सकते हो, मम्मी इतना तैयार हो, मम्मी ऑफरोड करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैनुअल तो सबसे पहले हम क्या है वहां से जाएंगे, वो जो खेत है मैंने फंसेगी तो नहीं वहाँ, लगता तो नहीं है नहीं फंसेगी। ध्यान से हाँ, उधर 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 है, मेरा जूता भी वहां पे तरस गया। ये गाड़ी स्लिप कहां कर रही है, ऊपर चढ़ नहीं रही, कोई टायर घूम रहा है उस साइड से रहता है। अगर इतनी स्मूथ सी जगह में गाड़ी को उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसका जो 4x4 है हाई लगा लो, है ना। तो ये इसका रहा 4x4, ये जो है साइन जहाँ पे आ चुका है। तो आई थिंक मुझे ट्रैक्शन बंद करनी पड़ेगी, ट्रैक्शन को जो है हम ऑफ कर देंगे। ऑफ का साइन क्यों नहीं आ रहा है, लो डालने पे ट्रैक्शन अपने आप बंद होती है, लो डालें एक बारी। हाँ अब ट्रैक्शन ऑफ हुई ना, बटन दबाने से क्यों नहीं हो रही है। 4x4 भी ना ऐसे स्मूथली नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है पता नहीं कुछ वो। और आई थिंक ट्रैक्शन बंद क्यों नहीं हो रहा है इसका, दबा के रखना पड़ता है क्या। ये क्या है, बंद नहीं हो रहा अपने आप से, मैनुअली ऑफ नहीं कर सकते क्या इसको। चल कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे, अभी कोई होगा इसका सिस्टम होगा, अभी वीडियो में देखना पड़ेगा। तो मम्मी को चिंता ज्यादा लगी हुई है। तो गाइस अभी गाड़ी थोड़ी सी फंस गई है, हाई में पावर नहीं ले पाएगी, इसलिए गाड़ी लो में, मेरे को लगे मेरे को क्लच से उठानी नहीं आ रही। इतना चिकड़ा है ना, क्या लगता है गाइस निकलेगी नहीं निकलेगी। निकल जाएगी, इतने से ही फंस गई मम्मी ये तो। हे हे जिमनी ना वही तो। फंस सकती है, यहाँ फंस सकती है ना, ना। है? मैं ऐसे जोर ज्यादा लगा रहा हूँ, फंस रही है, ठीक है स्मूथ है। मम्मी थक गई है। चलो जिमनी जो अपने पहले टेस्ट में है वो पास हो गई है, बहुत ज्यादा वैसे गारा दलदल नहीं है, लेकिन HD टायर के साथ भी इसने देखो ये बड़ा स्मूथली कर लिया। तो आप थक गए? नहीं नहीं मैं आगे जा रही हूँ, मैंने बोला तुम और करने लगा। इधर होगा जिप्सी गड्डी निकलेगी क्या, लगता मम्मी ऊपर वाले में डालनी नीचे वाले में, देखो बंपर लगा ना बड़ी जगह। आगे मेरे को डाउट पड़ रहा है, सकती है मुझे देखने जगह है। हाँ देख लो, हाँ अगर वो गाइस हमारे नेविगेटर देख सकते हो आप किस तरह से मुस्तैदी से। नहीं मम्मी ये जूता तो आपका नया खराब हो जाएगा। हाँ वो था इसलिए हम पुराने पहन के आए थे। पंगा ले लिया है बस, नहीं नहीं कुछ जी, फुल पावर की जिमनी को बना दिया ट्रैक्टर। नहीं नहीं ठीक है, ये पीछे हल भी लगा दी इसकी, बस फिर ट्रैक्टर चले 4x4। फिर पता लगे हल्की है, दस्ती नहीं उसकी। दस की गाइस गाड़ी, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि फंसी है, मुझे नहीं पता कौन सा टायर पावर ले रहा है कौन सा घूम रहा है, बट यहाँ फंस सकती है। वैसे टायर उतना कोई दशा नहीं है, निकल जाएगी। आप कोई ऑब्स्टेकल करते हैं करना पड़ेगा। रिवर्स में ऐसी आवाज़ भी करती है। हाँ ये आवाज करती है, वही मैं नोटिस कर रहा हूँ।
तो अभी यहाँ से देखते हैं, टच करने पे बंपर टच कर सकते हैं नीचे, नीचे कुछ लग सकता है सीवी वगैरह नहीं, सीवी टच करने के बाद ही पता चलेगा। मम्मी से पूछते हैं, रिस्क लेने वाली बात है, बता रहे कुछ ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं करेगी, आप नेविगेटर का रिएक्शन देख सकते हैं, नहीं करेगी, नहीं करेगी, कुछ नहीं है तो लग गई नीचे, जाने आराम से, आराम से, लेकिन अगर फंसानी है दिखाऊं आपको। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। पंखा मत लेना, तरुण भैया पंखा मत लेना, अभी क्या गाड़ी को करेंगे 4x2 में, फिर देखते हैं फंसती है। पावर कट कर रहा है, ट्रैक्शन ऑफ कैसे करना है इसमें वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से दबाने पे तो ट्रैक्शन ऑफ नहीं हो रहा, नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसे खींचूंगा, ये देखो ट्रैक्शन आ जाता है ना बीच में, ये अपने आप पावर कट कर देती है गाड़ी, लेकिन उसकी वजह से क्या है निकल भी जाएगी ये, देखना मैंने बोला मेरे ऊपर ही आ जाएगी। अच्छा आओ फिर आज आपको भी गाड़ी चलाना सिखाते हैं, चलानी आपने? नहीं नहीं मैं तो बाहर निकले पर निकलो गाइस, मम्मी को मजा नहीं आया कोई ज्यादा, मजा नहीं चिकड़े फंसी है, लेकिन नहीं चिकड़े थे। चलिए गाइस थोड़ा बहुत तो फन किया हमने, बट ये उतना दलदली नहीं है, लेकिन ट्रैक्शन वाला इसमें मसला है, जो इसका ट्रैक्शन ऑफ नहीं ना हो रहा। एक बार ये वाला ऑब्स्टेकल कर लेते हैं, कैसे लगी आपको परफॉर्मेंस जिप्सी की? ठीक है, रुकी तो क्या, वैसे रास्ता भी नहीं था, वैसे चर चर कर रही थी ना, है ना आवाज ज्यादा कर रही है, जोर लगा के चंगी जड़ी दवाई बटी है अच्छा। पिछले टायर ही पावर दो, हाँ थोड़ा बड़ा पकड़ के बैठना, अंदर चढ़ के लगते हैं। तो गाइस किया तो हमने काफी कुछ है, लेकिन मानिक ने शूट करने में थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, थोड़ी सी ज्यादा। तरुण भैया कर रहे हैं मजाक, बड़ी अम्मा के साथ बड़ी अम्मा डर गई, बड़ी अम्मा पानी ले रही, पता 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 यार चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, चढ़ जाएगी बट वो बड़ी नहीं नहीं आगे पत्थर है तरुण भैया, नहीं नहीं चढ़ेगी पत्थर है यार, तो इस साइड से मैं गाड़ी घुमा के लाता हूं, ठीक है देख इस साइड से छूट करना, ये वाला चढ़ाएंगे, बड़ी अम्मा को बिठा कर रखो, बड़ी बड़ी अम्मा को बिठा कर रखो। गाइस मम्मी कह रही है ये वाला ऑब्स्टेकल करना है, नहीं करना, मम्मी बोल रही है नहीं करना, करना 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 करना, नहीं बड़ी अम्मा मम्मी क्या कर रही है, चलो अभी चढ़ने रुको। तो गाइस मम्मी आ चुकी हैं, नहीं ये कुछ नहीं है, ये कुछ कितना ऊंचा पत्थर है, नहीं नहीं चलो आप कर नहीं है, तो करो करो कुछ सीधा बड़े पकड़ के रखना, ओ भाई मम्मी बताएंगी हमें पहला ऑफ रोड ऑब्स्टेकल करके मम्मी को कैसा लगा, मैं ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जब हम कीचड़ वाला करते हैं उसमें भी साथ जाना है, दानिश पानी पिला नहीं यार नहीं, नहीं। मुड़ी एक बेटा ले थले, एक बार वापस नीचे उतारते हैं और बड़ी मत डर गई, बड़े लगे दानिश तो खड़ा हुंदा तो पत्थर लगे जिमनी की टेस्टिंग वो सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन जो आज मम्मी को मैंने ऑफ रोड कराया अपने साथ बिठा, मैंने बोला बड़ी अम्मा को अंदर बिठा के रखना, बड़ी अम्मा डर गई भाई, सबसे ज्यादा मजा लिया मानिक ने और मम्मी, मेरे पास दूसरा क्या, एक कैमरा गाड़ी में भी होना चाहिए था, एक डैश कैमरा जो मम्मी कर रही थी ना ऑफ रोड के टाइम, मैंने जब वीडियोस में देखा ना, देखने में ऐसा लगता है वीडियोस में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगाया बिल्कुल कुछ नहीं था, और चढ़ देखते हैं वीडियो में कुछ नहीं लगा, अंदर 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 लगता है यार, अंदर बहुत लगता है, आगे दिख नहीं रहा था वो खड़ा, तो चलो मजा आया आज, बाकी गाड़ी हमारी जो है पास है फेल है, छोटा मोटा ऑफ रोड टेस्ट हमने पहली बार 4x4 लगा के टेस्ट किया है, बाकी मैट वैट दे सकते हो आप, हो गए एकदम मैट झाड़ लेंगे,
मम्मी बोले ना बोले, लेकिन आज मम्मी की हालत खराब होगी। गाइस मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं किसी दिन ऑफ रोड पे जाऊंगा और मम्मी को लेके जाऊंगा। आप वहाँ कैसे जाओगे? है दानिश वो जो दिगी भी है जब उधर करवा रहे थे वो, ये तो था ही कुछ नहीं। आपको भी ये नहीं करना, तो फिर इनकी किस्तें कैसे देंगे? अभी मैं उधर बैठा हूँ, मम्मी पीछे से आके लेट गए, ऐसे लंबी लंबी सांस ले रही। भाभी हमने खेत में इतनी गाड़ी चलाई, आप कहाँ थे? सपोर्ट ही नहीं है घर से, ही सपोर्ट नहीं है तो मेरे को तो ये लगे। चेक करो भाई बिल्कुल चलो फिर बोलो सारे की सब्सक्राइब कर दो, इसी बात कर दो 600 के जल्दी कराओ। हाँ ठीक है भाभी, आप ही बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, बोलो बोलो बोलना है। लेकिन अभी पापा की जो ड्राइव है वो पेंडिंग है। हाँ जी चले, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये ले लीजिए चाबी। चलो जी लेट्स गो गाइस। तो अभी एक ड्राइव मारेंगे, छोटी सी मानिंग तो यहाँ पे है ही है, और साहिल भी आया हुआ। हाँ जी साहिल जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं साहिल के मुंडन का दोस्त हूँ। लेट्स गो गाइस। ओके तो गाइस पहले क्या है कि समझ नहीं आ रहा था, गूगल पे पढ़ा, यूट्यूब पे जो वीडियो आ रही है वो फॉरेन की वीडियोज है, वहाँ कुछ वो और तरीका से बता रहे थे। तो इसका ट्रैक्शन काफी देर तक दबा के रखना पड़ता है, काफी देर नहीं मतलब हाँ लगा लो आप 5-6 सेकंड दबेगा फिर इसका ट्रैक्शन ऑफ होता है। तो ये है, मेरे को लगा ट्रैक्शन शायद ऑफ ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या सीन है। पापा कैसी है गाड़ी? ठीक है। लेकिन अभी पापा ऐसे कैमरे के सामने कह रहे हैं, बट असल बात जो है वो पापा ने मेरे को पहले ही बोल दी है, पापा को गाड़ी पसंद नहीं आई। क्या क्या बुरा लगा इसमें आपको ये बताओ? बुरा कुछ नहीं लगा, छोटी है गाड़ी यार, देखा ना मैंने जैसे पिछली सीट उसमें स्पेस ही नहीं है। वीडियोस में भी तो छोटी दिखती थी, उस टाइम लगा आपको? बड़ी दिखती थी यार। अच्छा लेकिन जब मैं बैठा हूँ सीट पे पर आगे वाली तो ठीक है, आगे वाली तो ठीक है। तो चलिए गाइस यही है मसला, फिलहाल ड्राइव एंजॉय की जा रही है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप एक गाड़ी घर पे दे दो, कौन सी छोड़े, ऑडी छोड़े थार छोड़े? नहीं, गाड़ियों का काम करवाना होता है मेरे पास, जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ के हिसाब से नहीं बनी है। मैं जम्मू रहता हूँ, उनका काम भी करवाता हूँ, सब कुछ भी करवाता हूँ, और फिर क्या है वो रनिंग में भी रहती है, एक बिक जाती है एक आ जाती है, वो वैसा है। मैं तो आपको कहूंगा कि मुझे ऑटो चाहिए, ऑटो ऑटोमेटिक प्लान करते हैं, ऑटो ऑटोमेटिक के लिए कोई भी हो, ऑटोमेटिक छोटी गाड़ी, छोटी। पीछे वाले बंदों से तो पूछे कैसा है बैठ के, सीट कम लग रही है? ठीक है, अच्छा लग रहा है, चार बंदों के लिए मतलब ठीक है। टाइम लगभग अभी जो 11 है बज चुके हैं, कल सुबह संडे है, संडे को मुझे जल्दी निकलना है जस्ट बिकॉज कि कल ऑफ रोड करना है। ये वीडियो मैंने अभी के अभी एडिट कर ली है, अपलोड जम्मू जाके भी कर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जिमनी का ऑफ रोड देख के आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। परफॉर्मेंस ठीक है, ट्रैक्शन का पहले समझ नहीं आ रहा था, बट फिर ट्रैक्शन का समझ आ गया, बड़ी सारी चीजें ऑब्जर्व करने लायक है। बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो जब मैं आपको एक रिव्यू दूंगा तब क्लियर होगा। और बाकी ऑफ रोड में आई होप कि आपको समझने वाले को समझ आ रही है, परफॉर्मेंस पता चल रही है, सब कुछ है। बस इसी के साथ खत्म होती है आज की वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।